ये बहावनगर का वाकया जी, मदीना टाउन गली नंबर 8 में मैं गया हूँ। अपने रिश्तेदार थे वहाँ पे, उनसे मुलाकात करने गया हूँ। गली के अंदर मोटर बाइक खड़ा ही की है, तो जिस वक्त बाहर आया हूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट का टाइम था। तो इतने टाइम में मोटरसाइकिल का जो वायर लाक वगैरह सब कुछ तोड़ के और बंदे जो हैं वो लेके फरार हो गए। जबकि बहावलनगर थाना सिटी ए डिवीज़न पुलिस जो है वो 15 पे कॉल की थी, तो SHO साहब आए थे बहावलनगर थाना सिटी ए डिवीज़न के, तो विज़िट करके गए हैं। उन्होंने इलाके में लगे हुए जो कैमरे वगैरह थे उनका कोई विज़िट नहीं किया, और सिर्फ पैगाम दे गए हैं कि थाने आके रपट दर्ज करवाएं और FIR आपकी देते हैं। इसके बाद हम थाने गए हैं। थाने जाकर जिस वक्त हमने दरख्वास्त लिख के पेश की है, तो उसके बाद SHO साहब को कोई ज़रूरी काम आ गया था, वो थाने से चले गए हैं। तो जो तो मुहर्रर वगैरह उनके बैठे होते हैं थाने के अंदर, उन्होंने इनाम मगरिब के बाद का टाइम दिया। होंडा CG125 मोटरसाइकिल है और 9642 मोटरसाइकिल का नंबर है, 19 मॉडल है, काला रंग है। तो ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है कि बहावलनगर में सहाफ़ी बरादरी के साथ इस तरह के मामला पेश आ गए हैं। और उसके बाद पंजाब पुलिस के जो मुलाजमीन हैं वो बाकायदा दरख्वास्त के ऊपर हमने वाज़े लिखा भी है कि हम शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हैं, उसके बावजूद FIR के इंदराज में तखीर हो, तो ये काबिल अफसोस बात है।